गाइस हम लोग, ये मेरे ससुर जी का खेत है पम्पकिन, फिर पम्पकिन का साग बनाया है, वही उठा रहे हैं। लग रहा है गाँव की छोरी, हाँ लग रहा है ना। गोली नहीं गए, लग रहा है अलग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है, अभी सुबह का 9 बज रहे हैं। नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ, जस्ट नींद से उठ के नहाई हूँ। बहुत गर्मी है, मैं अभी हूँ ससुराल में और बाहर धूप देखिए, बहुत धूप है, बहुत धूप। और ये देखो मेरा गार्डन छोटू सा, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। कल जैसे जो करेला होता है ना, वो तोड़ के हमने खाया। ये वाला करेला का पौधा है ना, कल करेला है। कल मैं कल आई थी ससुराल में, कल शाम को ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया और मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है और मेरा दांत देखिए एकदम चमक रहा है। और अभी भाई के जाऊँगी, सुबह उठते ही नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ। सूझ गया है मुँह मेरा, है शान होएगा। माँ सासू माँ है, गाना लगाया सुमित ने, तो गाना चल रहा था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। सुमित इधर ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं, सिमुई खा रहे हैं। ये मेरे फादर इन लॉ ने बनाया था, बस वही टेस्ट कर रहे थे, मैंने भी टेस्ट किया। और अभी जाना है तैयार होके मायके। मैंने सोचा चलो साड़ी पहनती हूँ, बहुत दिन साड़ी नहीं पहनी हूँ। एक्चुअली रीज़न है क्या पता है, मेरा बॉडी फैट इतना हो गया कि मेरा कपड़ा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो साड़ी पहन लेती हूँ, एटलीस्ट वो तो आएंगे। लेकिन घर के अंदर तो उतना गर्मी नहीं लग रहा था, बाहर कॉरिडोर में जब गई ना इतना गर्मी, तो फाइनली मुझे साड़ी खोलकर ये कुर्ती पहनना ही पड़ा। सो गाइस रेडी हो चुकी हूँ, अभी बज रहे हैं 10:15 हो गया है और धूप बहुत है। पापा कॉल किया था कब आएगी, तो इसीलिए अभी ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट में हमने खाया घुगनी मूढ़ी। ससुराल में रहूँ घुगनी मूढ़ी ना खाओ ऐसा हो नहीं सकता है। और फाइनली एक बार आपको दिखा देती हूँ बाहर का कुछ नज़ारा। ये देखिए, ये मेरे मायके में लेमन का पेड़ था, इधर ला के रखा तो लेमन हुआ है। आपको दिखा नहीं पाऊँगी अंदर जाकर ये साइड पे। और देखिए धूप से बचने के लिए क्या का इंतज़ाम किया मैंने अपने आप को। और ये देखिए सुमी, हाँ फ्रिज से बाहर कर दो, बहुत धूप है गाइस। चलो मिलती हूँ मायके में, बाय। चलो ओ मासी, हाँ फोन हाथ। गाइस आज ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे मायके कहाँ पर है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि आपका मायका ससुराल कहाँ पर है। अब मेरा ससुराल है श्रीरामपुर में और मेरा मायका है शौराफुली में। और हम जब भी स्कूटी से जाते हैं तो बाई रोड जाते हैं, मतलब दिल्ली रोड पकड़ के जाते हैं, नहीं तो नौगार मोड़ होके जाते हैं। और इससे आसान होता है। अगर कार मतलब बाइक स्कूटी वगैरह ना ले ना तो ट्रेन पकड़ना पड़ता है। ट्रेन श्रीरामपुर से पकड़ के शौराफुली उतरना पड़ता है, फिर टोटो पकड़ के जाना पड़ता है, ऐसा है। मैं ट्रेन से ट्रैवल करना उतना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ भट्टा ये सब देखने से ना शरीर में थोड़ा सा ख़राब होने लगता है, इसीलिए तो स्कूटी से आसान लगता है। हाँ भले थोड़ा लेट होता है, देर होता है, लेकिन स्कूटी से मुझे अच्छा लगता है। और इतना धूप था ना इसीलिए पूरा फेस कवर करके निकल रही हूँ। जितना भी मैं फेस कवर करूँ पहले से मेरा स्किन बहुत डल हो चुका है। कोलकाता आके बहुत टैन पर गई हूँ और मैं उतना कुछ इस्तेमाल नहीं करती स्किन केयर के हिसाब से, क्योंकि मुझे कुछ सूट नहीं होता है। बहुत सेंसिटिव कॉम्बिनेशन स्किन है मेरा, कुछ भी लोशन शूट नहीं करता है। बहुत सोच समझ के मुझे लोशन यूज़ करना होता है, लेकिन मैं कोलकाता आने के बाद कुछ भी स्किन केयर नहीं कर पा रही हूँ। भागदौड़ में ही टाइम जा रहा है। जैसे देख सकते हैं आप, कल रात को मैं आई ससुराल, पूरा रात पूरा दोपहर के 12 बजे तक मैंने ससुराल में बिताया, फिर 12 बजे से लेकर शाम तक मेरे मायके में बिताऊंगी। कुछ इस तरह से भागम भाग चल रहा है, क्योंकि देखिए पापा मम्मी रहते हैं अकेले, मैं ससुराल में भी मेरे मायके में भी, दोनों को भी टाइम देना होता है। इसीलिए ऐसा उन लोगों को ना लगे कि मेरा बेटा बहू टाइम नहीं दिया, मेरे मायके में ऐसा ना लगे कि मेरा बेटी और दामाद ने टाइम नहीं दिया। हम दोनों को एकदम टाइम देने के लिए हम लोगों का ना हलवा टाइट हो जाता है, भाग दौड़ करना पड़ता है। और ये कुकर का आवाज़ आ रहा है, मम्मी ने खाना चढ़ाया है। मैं मायके में हूँ अभी तक, ये देखिए मायके में घर आ चुकी हूँ। ये रहा मेरा घर। माँ जानी ना हाँ, 10:15 हुआ है। ससुराल में थी तब 10 नहीं बजा था, मैंने सोचा 10 बज गया था। अभी कवर करके आई हूँ, पूरा स्किन जल रहा है। Thank God. नहा का तो आ चुकी हूँ, इतना ही नहीं है। चलो ड्रेस चेंज करके मिलती हूँ आगे। बाबा को बता दो इतना। आज लंच में मम्मी ने बनाया है चिकन कौशा। ये है पपाया और करेला उबला हुआ, पाट शाक भाजी और आलू भाजी। ये है खट्टा दाल आमड़ा देकर, बिलाती आमड़ा बोलते हैं ना, वो देकर खट्टा दाल बनाया है। और ये जो आलू भाजी बनाया ना गाइस, इसमें ना फिश का ये है हेड नहीं, क्या बोलते, अंडा है, अंडा देकर ये बनाया। बहुत टेस्टी होता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। और गर्मी के दिन ना ऐसे खट्टा दाल भी अच्छा लगता है। हम सब परिवार मिलके खाना खा रहे, अच्छा लग रहा है। और बीच में ये देखिए जो ट्रेन का शॉट मैंने लिया है ना, सुमित जा रहा है मुझे छोड़कर, मैं मायके में रहूँगी। सुमित अभी जा रहे काम पे और मैं अकेली रहूँगी। बहुत इमोशनल हूँ, इसीलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।